हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजनीतिका ब्लॉग। सो आज है मनस्वी का 6 मंथ बर्थडे, मीन्स मनस्वी को हो गया 6 मंथ कंप्लीट। 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इनको, देख रहे हो आप, लगे अभी बिजी है। तो अभी हम करें थोड़ा सा डेकोरेशन, उसके लिए ये इट्स माय हैप्पी बर्थडे लगा दिया है। अब ये बटन पर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 को इनको लगा रहे हैं, कैसा लगता है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मानसवी का डेकोरेशन हो रहा है। मामी, आप यहाँ पर क्या दिख रहे हो? ये मैं थीम बना रही हूँ, जैसे इसमें मैंने कहा गया, इसमें मैंने 1 लिखा है, yes. इसमें 2 लिखा है, इसमें 3 लिखूंगी, 3 मंथ 3 4 5 6 करके। अच्छा, 6 तक ही लिखोगे? इसमें तो लिख ही नहीं रहे। इसको थोड़ा ऐसे ऐसे कर लो ना, ऐसे ऐसे हिलाओ थोड़ा। नहीं, वो इसमें सूट नहीं कर रहा, ये कोई कोई कलर है ना, नहीं दिखते हैं वो, इसमें सूट नहीं कर रहा। लाइट कलर है ना, लाइट कलर में नहीं करते वो ब्लैक, उसमें लिखा है ब्लैक पिंक में लिखा ही ना जा रहा, दिख रहा उसको। मिटेगा नहीं, पता नहीं इसका। अब वो ब्लैक तो इसमें लग ही नहीं रहा, क्यों? ये देखो, ये माय हाफ बर्थडे, ये हाफ जैसे लग भी रहे हैं, ये ना हाफ जैसे लग रहे हैं, ये तो क्वार्टर क्वार्टर में है, ये फुल होने में हाफ लगेंगे, ऐसे हो रहे हैं इनको। यहाँ पर को पीछे ये मारी बैठेगी ऐसे, ये मारा, ये वो केक इधर उधर लगा देना, अच्छा केक इधर, तो ये डेकोरेशन कर रखा है। अभी लाइट ऑफ है, ये वाले हमने ये लाइट जलाई है ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अब लाइट ऑन करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ये अलग ही लग रहा है, लाइट खोल के सही लग रहा, तो लाइट चला के और ये ऐसा हो रहा है। बड़ा बलून हम बाद में लगाएंगे, अभी नहीं है क्योंकि जगह नहीं है इतनी। माना, ओ मानू क्या कर रही, मेरा काम चल रहा है, डोंट डिस्टर्ब मी। वन तो लगी हुई है, ये हो गया। अब थोड़ा फोटो शूट करते हैं, अगर मानू बढ़िया से करने देती है तो। और यहाँ पे अभी पहले कुछ लगा लेते हैं। तो माना, ये मानू को लेटा दिया है, ये है। कैसा लग रहा है निष्ठा? हाँ, अब निष्ठा उसको हमारा फोटो लेने का ये है कि निष्ठा उसे ये इससे हवा करेगी, वो देखती है तो मुस्कुराती है, तो 2-4 फोटो तो आ ही जाएंगे। अच्छी, देखते हैं मानू क्या रिएक्शन देती है, उसको ये पसंद है। हाँ ठीक है निष्ठा। हाँ, अब हम लेते हैं फोटो मानू की। मनस्वी जोजी का हैप्पी बर्थडे आज है माना। गाइस, सभी कमेंट करना मानू को, जितने भी आप लोग देख रहे हो, जितने व्यूज आ रहे हैं, 50-60 व्यूज आ रहे हैं, मेरे को उतने ही कमेंट भी आने चाहिए। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। ये तो अब एक में तो फोटो शूट कर लिया, आपने देखा बड़ी मेहनत लगी, मानू हंसती नहीं, और जब हंसती तो आपको पता है तो हम लोग कुछ और सीन कर रहे थे। तो अभी अब मैं मानू को पहना रही हूँ फ्रॉक, ये है इसका फ्रॉक। फ्रॉक थोड़ा बड़ा है बट सही है, हमने कहा बड़े ही ठीक रहते हैं। अब इसमें इसको होगा काफ़ी गर्म, तो अभी मैंने उसको नंगू पंगू रखा है जी 2 मिनट के लिए। तो अभी वैसे ही कैमरे में बड़े बढ़िया से देखती है, बट जब इसको फोटो खिंचाना होता नहीं देखते, सब बच्चों का सीन सेम है। मैंने यहाँ पर टैडी ऐसे एडजस्ट किया ताकि वो क्या बोलते हैं दिक्कत ना करे, वो उसमें ऐसे पीट करके पीट के बस सही से बैठ जाए। होप है कि कैसा रहेगा, केक काटे अच्छे से। तो हम अब करते हैं फ्रॉक पहना के सूट कैसा होता है, एक दो फोटो अच्छे आ जाए बस। वहाँ निष्ठा भी तैयार होके आ गई है, देखो देखो निष्ठा भी तैयार होके आ गई है। और हम तो ऐसे ही हैं भाई, हमारे ऐसे आपको पता ही है, वेल ड्रेस बच्चे के पीछे अनड्रेस मम्मा रहती है, तो यही है अभी। और पापा तो बिल्कुल अनड्रेस है,
पापा हमेशा अंडरड्रेस ही रहते हैं, पापा को बिल्कुल कंफर्टेबल है उनकी एक बनियान में। अरे हाँ वो निकल गया। तो पापा कल हमारी एनिवर्सरी थी तो पापा बड़े तैयार होकर पापा को बैठाया था। आज बच्चा हमारा बच्चे का बर्थडे है तो आप बच्चे को तैयार करते बस उसके बाद आपको ये फोटो शूट के इसको बानू को तैयार करके फिर मिलती हूँ। वो मुंह बुलाने लग जाती है दो दो मिनट में, आपको पता ही है बच्चे कितना इरीटेट करते हैं। तो मैं अब इसको तैयार करती हूँ, मीन्स फ्रॉक पहनाती हूँ। ये मानू रेडी हो चुकी है, उसे ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही क्योंकि इसमें सितारे हैं वगैरह, मम्मा परेशान कर दिया है। हवा फेंट रही हूँ ताकि उसे गर्म ना हो, ये ऐसा है। सब बजा रहे ताली ताकि चुप हो, वो देख ही रह गए वो कह रही हो क्या रहा मेरा सितारा, कंफ्यूज हो गई है वो। सिस्टर दीदी तैयार होके आ गई, निष्ठी दीदी तैयार होके आ गई। चल अब हाँ लग रही होगी ना, वो सितारों से दिक्कत हो रही होगी तभी तो फटाफट कर रहे हैं। चल अब इसके इसके साथ अब लेते हैं, यहाँ पे मानू कैसे बैठाते हैं। और क्या हुआ, खेली खेली नाची नाची ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है। पापा वीडियोग्राफी करने के लिए हैप्पी बर्थडे। दूसरा तो व्यस्त है हमारा, ये आप मुझे शांति हुई है, अब लाओ मुझे केक आप बिल्कुल शांति, अब मैं शांत हूँ। ये अब जा, अब जाके मुझे शांति मिली है जब मैंने केक का ऐसा हाल किया। कट गया केक, काट दिया, अब जाके मैं हुई हूँ बल खुश, अब हो गए मैं आदेश। तो यहाँ पर अब केक तो पहले कट गया था, अब केक की चल रही है बटाई। यहाँ ये कहने लग गए ये मुझे दो ये मुझे दो, और वहाँ चल रही है नतनी और दादी की। वाह ऐसा रिलैक्स मोड चाहिए ना इन्हें तो। ये रोज कौन खाएगा, ये रोज मिले मिले। अच्छा ये आधा मामा खा लेंगे आधा सिस्टी खा लेंगे, ठीक है। मैं तो है रोज पेप्सी। ओके और यहाँ पे केक की बटाई हो गई, क्रीमी है बहुत अच्छा लग रहा है, क्रीमी केक है बल बहुत बढ़िया वाला, क्योंकि जो मानू ने सा लपेटा था मैंने खा उसके हाथों में। इसकी ब्रेड पता नहीं कैसी, कल वाला केक भी अच्छा था। यहाँ तो बहुत थकान हो गई है, केक नहीं छोड़ना लेकिन ठीक ही चल रहा है। हो गया हमारा खाना नहीं बना अभी तक, 11 बजे की तो रिवाज है हमारे यहाँ। इसी के साथ यहीं पर वो ब्लॉग को एंड करते हैं और आपको फिर मानू को आज 6 मंथ पूरे हो गए हैं, अब 7th मंथ लग गया है। देखो दादी विश कर रही है वहाँ, दादी पूरा केक खाने के बाद ही कर रही है विश। और यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं और फिर आपसे आप लोगों से कल मुलाकात होती है। ओके टाटा बाय बाय।